देश में आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सातवीं बार लाल किले पर झंडा फहराया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में हर जगह स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ के ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। समस्त देशवासियों को और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और
इस कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाकर अनिवार्य रूप से रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप लोग देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना का पूर्ण पालन करते हुए हम लोग सही सम्मान का आयोजन कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से ओजस्वी कवि अमित शर्मा अपनी ओजस्वी प्रस्तुति दे रहे हैं, देश के प्रति, भारत माता के प्रति, भारत माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपनी कविताओं को बोल रहे हैं। और आप जो मुख्य आयोजन है हमारा सही सम्मान, तो इस बार हमने सिर्फ सीमित संख्या रखते हुए जिले के ही शहीदों के परिजनों को आमंत्रित किया है, जिसमें से मुख्य रूप से सिहोरा खुड़ावल के अश्विनी काछी के परिजन और अपने सरदार मंजीत सिंह के परिजन, पुलिस से रामशंकर पांडे जी के परिजन, अपने मुन्नीलाल गौटिया जी के परिजन, देवी प्रसाद परोहा जी के परिजन और चाइना से युद्ध में शहीद हुए लेफ्टिनेंट सुनील शुक्ला के परिजन, ऐसे तमाम शहीदों के परिजन आए हुए हैं जो जिले में निवास करते हैं। हम उनको सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कोई भी राष्ट्रीय या वैश्विक आपदा देशभक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। उसी कड़ी में आज हम लोग ने सही सम्मान का आयोजन किया है और आप लोग देख रहे हैं।